हेलो एवरीवन, साहनी फूड में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बनाना सिखाने वाले हैं पाव भाजी। तो इसे खाने के लिए हम अक्सर रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो इस लॉकडाउन की वजह से हम घर पर, जैसे कि हम फर्स्ट गए हैं, तो हम घर पर भी रेस्टोरेंट स्टाइल का पाव भाजी बनाकर खा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने किचन में और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सारा प्रिपरेशन कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने पाव को जैसे जिस तरीके का वो शेप में था, उसी तरीके से हमने इसे कट करके और एक प्लेट में रख लिया है। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर कट कर लिए हैं, 2 प्याज बड़े वाले, शिमला मिर्च और धनिया पत्ता। यहाँ पे मैंने 3 आलू को मैश कर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, कस्तूरी मेथी, नमक और हरे मिर्च। तो ज़रूरत के अनुसार मैं इसमें पानी इस्तेमाल करूँगी। मैं आपको बता दूँगी कि इस तरह का इस्तेमाल करना है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, आप थोड़ा भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे अपनी कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। ये जैसे ही गर्म हो जाए, हमने यहाँ पे मेल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है। मैंने इसे मेल्ट कर लिया था अपने माइक्रोवेव में, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे छोटे चम्मच से 4 चम्मच मेल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है। तो ये गर्म हो चुकी है, तो हम आगे के प्रोसेस में जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा का इस्तेमाल किया है, इसे क्रैकर होने देते हैं। हमारा बटर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो ये ऑलमोस्ट अच्छे से क्रैकर हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर हमने अपना हरी मिर्च को ऐड कर दिया है यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर अपने बारीक कटे हुए प्याज को भी ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। तो अब हम इसमें अपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया। मेरा चम्मच थोड़ा छोटा है, इसलिए मैंने 2 चम्मच इस्तेमाल किया। आप जरूरत के अनुसार ही ऐड करें। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो ये देखिए, थोड़ा समय हो चुका है, तो हमारा प्याज ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पक चुकी है। तो अब हम इसमें अपने कैप्सिकम को ऐड कर देंगे और साथ ही साथ हम इसमें अपने बारीक कटे हुए टमाटर को भी ऐड कर देंगे। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि टमाटर डालने के तुरंत बाद ही मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ ताकि हमारा टमाटर गल जाए। तो इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और इसे अच्छी तरीके से पकने देंगे। तो थोड़ा समय हो चुका है, तो अब हम इसमें अपने मैश पोटैटो, जो मैंने 3 पोटैटो को बॉईल करके इसे मैश कर लिया था, इसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं और इसे अच्छे से हम इसमें मिला लेंगे।
तो थोड़ा समय हो चुका है तो हमने इसे अच्छे से फ्राई कर चुके हैं, तो हम इसमें अपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला के इसे थोड़ा गलने देंगे। तो देखने में आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं किया है, और ये पाव भाजी तो हमेशा कलरफुल और रेड कलर में होती है, तो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं दिख रहा है। तो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसका मसाले का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने दूसरे स्टोव में इसे का मसाले के प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसे हम अच्छे से ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डांडला ले लिया है बड़ा वाला, तो गैस का फ्लेम ने हम मैंने इसमें ऑन कर दिया है, और इसमें भी मैं अपने मेल्टेड बटर को इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इसमें मैं पहले इसे थोड़ा गर्म होने देती हूँ, तो ये ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं अपने मेल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेल्टेड बटर का इस्तेमाल कर लिया है, तो इसमें मैंने अच्छे से डाल दी हूँ। तो ये जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाए, बस थोड़ा ही गर्म चाहिए, तो इसमें हम अपने सारे मसालों को ऐड करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे इस मसालों को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ इसको मैं अच्छे से ऑयल में डाल दी हूँ। और साथ ही साथ हम इसमें अपने 2 चम्मच पाव भाजी मसाला ऐड कर देंगे, और इसे 1 चम्मच की हेल्प से इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो इसे जलना नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसे उठा लिया है। आप गैस के फ्लेम को भी ऑफ कर सकते हैं, पर मैंने इसे ऊपर फायर के ऊपर ही रख लिया है। तो इसे थोड़ी देर हम इसी तरीके से पकाएंगे ऑयल में। तो अगर आपको लगे कि ये अच्छी जल रही हो, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर लें और इसे अच्छे से पका लें। तो अभी आपको दिखने में ये बहुत पतला दिख रहा होगा, पर आप देखते जाए इसका टेक्सचर और कलर कैसे इसका बदलता है। तो हम इसे थोड़ी देर इसे अच्छे से पकने देंगे। तो हम कलर लाने के लिए अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बाजार जैसा कलर लाने के लिए हमें इसमें फूड कलर इस्तेमाल किया है, तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए खोलने देंगे ताकि ये जल ना जाए। इसीलिए हम इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे और इसे पकने देते रहेंगे। तो देख रहे हैं धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो रहा है और इसका टेक्सचर भी चेंज हो रही है। तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पक चुका है, ये बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है, ताकि इसका तेल भी ऊपर छोड़ चुका है, मसालों से तेल छोड़ चुकी है। हमारा ये बन गया। तो अब हम अपने गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो लेके चलते हैं हम अपने सब्जियों की तरफ, जो हमारे पाव भाजी का भाजी है, तो इसमें हम इसे ऐड कर देंगे। तो इसे अच्छे से मिला लेंगे और जितना हो सके इसी के हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो अब हम इसमें अपने कस्तूरी मेथी को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमने इसमें कस्तूरी मेथी का इस्तेमाल कर लिया है, इसमें डाल दिया है। आप कस्तूरी मेथी एकदम ऑप्शनल है, आपके पास अगर अवेलेबल हो तो प्लीज़ ज़रूर डालें, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। तो अब हमारा भाजी बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा करिएंडर लीव्स को डाल दिया है, और हमारी पाव भाजी वाली भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे साइड में करके रख देंगे। तो अब हम चलते हैं अपने पाव की तरफ। तो यहाँ पर मैंने तवे को
गर्म होने के लिए रख दिया है गैस के स्टोव पे। मेल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रही हो तो मेल्टेड बटर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल दिया है और थोड़े से धनिया पत्ते। बस थोड़ी देर के लिए इसे हम अच्छे से ऑयल में मिक्स होने देंगे और उसके बाद साथ ही साथ हम इसमें अपने पाव को डालते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम अपने बाकी सारे पाव उसको भी बना लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम फिर से उसको सब एक ही साथ तवे पे रख देंगे ताकि सारे गर्म हो जाए और हमें खाने में कहीं से भी थोड़ा भी ठंडा पाव ना मिले। तो हमारा पाव भी बन गया है और भाजी भी बन गई है। तो सर्विंग प्लेट पर लेके चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पाव भाजी बनकर तैयार हो चुका है और दिखने में ये बहुत ही डिलीशियस लग रही है, एकदम बाजार वाली टेस्ट है। आप खा कर देखें और मेरा ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।